प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना इंसान तब करता है जब उसे लगता है कि वो सब कुछ कर चुका है और जो वो चाह रहा है वो हो नहीं रहा। प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं या किसी और के लिए कर सकते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, दोस्त मित्र या और किसी के लिए भी, जिसको हम जानते हो ना जानते तो भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना जब दिल से की जाती है और प्रार्थना जब की जाती है जिसमें कुछ हम ये ना देखें कि हम अपने फ़ायदे के लिए क्या चाह रहे हैं, तो जब सही दिल से इंसान प्रार्थना करता है तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो हम प्रार्थना किसी के लिए भी कर सकते हैं। प्रार्थना किसी को मदद करना है, कोई बीमार है उसके लिए इंसान प्रार्थना कर सकता है। बहुत सारी कई ऐसी स्टेजेस लाइफ में आती हैं जिसमें हमें मदद चाहिए तो उसमें इंसान प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना हम अपने लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना उस किस्म की होनी चाहिए जिसमें कि हम देखें कि हम पूरे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, कि हम सिंसियरली प्रार्थना कर रहे हैं। और जब सिंसेरिटी से प्रार्थना करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में जो बेहतर होना होगा उसके ज़रिए आ जाएगी। तो प्रार्थना एक ज़रिया है जिसमें इंसान सोचता है कि उससे कुछ हो नहीं रहा, और फिर जो हायर पावर है पिता परमेश्वर को इंसान प्रार्थना करता है कि उसे मदद मिले। मगर वो तभी आती है जबकि हम हलीमता से प्रार्थना करते हैं, जब हम ह्यूमिलिटी से, नम्रता से प्रार्थना करते हैं। अगर कोई हक से प्रार्थना करना चाहे तो वो उसके लिए काम नहीं करती। अगर आप सोचो कि मैंने ये करा उसके लिए और इस करके अब मेरे लिए कुछ हो, ऐसे काम नहीं बनता है। अगर दिल से प्रार्थना की जाए, नम्रता से की जाए और इस विश्वास से की जाए कि पिता परमेश्वर हमें मदद करेंगे, कर सकते हैं, तब हमारी प्रार्थना ज़रूर कबूल होती है। तो प्रार्थना कैसे करनी है ये भी इंसान को ध्यान से सोचना चाहिए।